सर सर शेड में सर यहाँ पे हम छाव में काजल मैम सोलो सोलो काजल मैम अजय सर अजय सर आपको भी सोलो चाहिए मैम यह सेंटर काजल मैम सेंटर थैंक यू मैम ग्रीन ग्रीन कर रहा है बोलिए आपके राइट आपके लेफ्ट में देखो मैम लेफ्ट 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 सामने एकदम सेंटर लेफ्ट लेफ्ट मैम लेफ्ट सेंटर इधर हम यहां पे लेके आपके यहां पे मैम मैम लेफ्ट अरे रुक रहा भाई आपके लेफ्ट में यस लेफ्ट में आपके बहुत ज़्यादा वाइड शॉट मैम यह मैम यह लेफ्ट अकबर जी दस सेंटर देखो थोड़ा सा ऊपर से अकबर जी कुछ नया करो आगे काय को जा रही है अकबर जी कुछ नया ये वो कल भी ऐसा मजा नहीं आया नहीं सकते ना तो मजा कैसे आता है शादाब अरे वो हम भी स्ट्रेंज फोटो वाला मैम लेफ्ट अरे क्या बात है करते रहो ऐसे ही शादाब है थैंक यू अरे सर 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 यहाँ पे हम छाव में मैम इधर मैम सोलो सोलो मैम सर आप भी रुक जाओ सर अजय सर आपको भी सोलो चाहिए मैम इधर मैम यह सेंटर मैम मैम अजल मैम सेंटर मैम अजय सर गुस्सा दे रहे नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग आफ्टर 2003 आप फिर से आपकी जोड़ी एक बार देखने को मिल रही है तो इतने सालों बाद कैसा था वो बॉन्डिंग क्या कुछ फ्रेंडशिप में चेंज है क्या कुछ बताना चाहोगे आप बताना चाहेंगे वंस दे आर डन आई विल आंसर लेटर हमें बहुत मजा आया था जब हमने कच्चे धागे की थी जब हम पहली बार मिले सेट पे मुझे लगा कुछ ज़्यादा बदला नहीं थोड़े और शायद थोड़े और सीरियस हो गए मच्योर हो गए हैं थोड़ी अक्कल आ गई है थोड़ी अक्कल आ गई है मतलब पहले क्या करते थे अरे पहले वी हैड टू मच फन बिफोर सेंसर हो जाएगा पता नहीं राजस्थान द डेजर्ट लवली इवनिंग्स वी हैड आई हैव ऑलवेज हैड अ रियली नाइस टाइम वर्किंग विद अजय बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी वेरी जेनरस एक्टर देयर्स नेवर बीन एनी स्ट्रेस ऑन You know, मेरा रोल कैसा है जब भी मैंने काम किया है तो मुझे I've had the best roles in my career working with him. And that is a, I think it's a great thing, it's a really special thing. He's a really confident filmmaker and actor. And everybody, whoever's worked with him has really enjoyed the experience. And I'm happy, I think of him as a friend in the industry and I've always enjoyed working. I think Saif ne itna keh diya, main jo kahunga wo repeat hi karunga. I just love him. अजय जी अजय सेंटर जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन अपनी 100th फिल्म में आप अपनी लेडी लक के साथ काम कर रहे हैं और कितने सालों बाद काम कर रहे हैं वो एक एक कैसी मतलब ट्यूनिंग तो ऑफ कोर्स अमेजिंग है ही बट वो कैसी फीलिंग थी व्हेन यू हैव द बेस्ट लेडी ऑफ योर लाइफ इन योर 100th फिल्म आई डोंट नो व्हाट द फीलिंग इज क्योंकि ऐसे लग रहा था कि घर पे ही है सेट पे नहीं है
तो वी बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी आल्सो एंड वी बिहेव लाइक दिस एट होम आल्सो तो कोई ऐसा फर्क लगता नहीं सेफ 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 यू हैव मेस्मराइज्ड अस विद योर कैरेक्टर एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन बट या 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 सिमरन सिंह सो यू हैव मेस्मराइज्ड अस एवरी टाइम यू कम ऑन स्क्रीन बट व्हेनेवर यू कम विद अ ग्रे शेड कैरेक्टर बीट ओमकारा और बीट योर इन तानाजी playing Uday Bhan, there is something so much exciting, you know, it comes like a new avatar of you. So, aap bataiye, so is it true that you really enjoy playing this grey character? Yeah, maybe, you know, I guess they also must have thought of something when they asked me to do it. It's a very special role. Yeah, I think I do enjoy it. I don't know if I would enjoy only doing that, mm-hmm. but once in a while to do that, I think is great fun. Yeah. And this is a very special part, the way Om has treated it and the way they have conceived it. It was Okay. Hi, Ajay sir. Ajay sir and Bhushan ji, एक सवाल आपसे बनता है, being a producer. एक वक्त था जब जो जो भी एक साल की शुरुआत होती थी, लोग बड़ी फिल्में नहीं लगाते थे. हम देखते आए हैं. People used to call it as a jinx week या पहला हफ्ता हम नहीं लगाते. But it seems that it's a brave decision of you guys कि आप पहले हफ्ते ही आ रहे हैं, 10 जन को आ रहे हैं. And देखा जाए तो it's not a republic weekend also. मतलब चाहते तो उस टाइम पे भी रिलीज कर सकते. तो ये perception के बारे में आप बताइए. आई थिंक वो परसेप्शन बदल चुका है कि फर्स्ट वीक हाँ फर्स्ट वीक थोड़ा स्लो होता है बट दिस इज आवर सेकंड वीक तो आई थिंक लास्ट ईयर उरी आई थी ना लास्ट टाइम उरी आई थी 28 दिसंबर वो सिम्बा आई 10 को उरी आई दोनों चली ऐसा टेंशन मत कूल सर थैंक यू हाय सैफ दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज हियर इन द मिडिल सैफ हम सब जानते हैं कि आप एक एविड रीडर हैं काफी किताबें पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज भी रखते हैं जब आपके पास ये किरदार आपको ये ऑफर हुई ये फिल्म तो क्या आपको इसके बारे में मराठा हिस्ट्री के बारे में उतना पता था जो किरदार आप निभा रहे हैं फिल्म में उस किरदार के बारे में पता था या ये फिल्म साइन करने के बाद में आपने और रिसर्च की और पढ़ा मैंने बहुत रिसर्च की मैंने जाके एक अमर चित्रकथा खरीदी जिसका नाम था तानाजी आई एम सीरियस एंड उसमें पूरी कहानी है यू नो बट लेकिन जब बचपन में मैंने ये कहानी सुनी थी तो ऑलमोस्ट द सेम मैं ख़राब नहीं करना चाहूँगा लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने कुछ अच्छी मॉडर्नाइजेशंस की हैं कहानी में लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा लेकिन जब मैंने पढ़ी यू नो ऑब्वियसली द स्टोरी इज़ अबाउट तानाजी बट उदय भान हैज़ अ वेरी लवली रोल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड काइंड ऑफ राजपूत विलन्स रोल विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू एंड आई थिंक जब हम तानाजी की I don't know if I'm saying the wrong thing, but if you think of Tanaji's story, you have to mention Uday Bhan. Yeah, it's incomplete otherwise. You know, so, and that was great as an actor. You know, I'm telling you, this film, the way it's mounted, the way it's created, I'm so happy today seeing this. I was not sure about 3D, I was not sure about how it's going to look, but I'm so, so pleased. This is going to be such a visual treat that I'm just happy to be a part of it, and I think a very nice part of it. Hello, Ajay sir. Well, she was, I think she's very fond of Ajay. So she knew we would have a lot of fun, you know, and she's excited about the project. Hello, Ajay sir, here. नहीं ना मैंने सोचा था ना मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये 100 फिल्में मेरे लिए तो ये एक और फिल्म है और जो जितनी मेहनत 99 पे की थी या पहली पे की थी वही मेहनत यहाँ है और वही 101 पे भी करनी पड़ेगी तो हमारे लिए तो वही एक ही चीज़ है हेलो अजय सर शरद हाय टारगेट नहीं है मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहे हो और वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लिए है क्योंकि अगर कुछ गलती से गलत हो गया तो आपने क्या क्या प्रिकॉशंस ली हुई है गलती से भी गलती ना हो यही प्रिकॉशन ली है नो नो देखिए आप जब भी ऐसा कोई किरदार करते हैं आपको प्रिकॉशंस लेने ही हैं उसके अंदर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है वही किया है मैंने ओम सर की बात मानी है एक्टिंग करते वक्त भी या परफॉर्मेंस के टाइम भी क्योंकि एक आंख का इशारा यहाँ से वहाँ हुआ तो भी वो गलत हो सकता है इतनी बारीकी से डिटेल से बताया गया है एंड ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर टू वर्क विद सो मुझे वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से बता दिए गए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट हेलो जी
सी हर फिल्म में म्यूजिक नहीं, लेकिन इस फिल्म में म्यूजिक बहुत बेहतरीन है। अजय सर ने बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करवाया है। जो आप गाना ट्रेलर में देख रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन गाना है। तो आई थिंक इट्स अ म्यूजिकल ट्रीट आल्सो। हेलो अजय सर, दिस इज आकाश सचिन परंपरा हियर। आई थिंक दे द म्यूजिक फॉर दिस सॉन्ग। हेलो अनिल जी रोट इट, ही इज आल्सो हियर। हेलो हाय अजय सर, Ajay sir, this is Akash from Mumbai Mirror. Hey, yeah, in front of you. Yeah, so I wanted to ask, while choosing a historical subject like this, how do you maintain a balance that it doesn't become offensive to someone? You have to be very careful. You have to be very careful, and you have to be honest to history. So the fact is that, I mean, apart from being careful, we follow the history so that tomorrow, if you have to question and answer, somebody raises a question, I mean, we can tell them that, okay, this is part of history, guys. So that's how you follow it. Ajay, sir. On your right. Left, sorry. Mera sawal ye hai ki Kajol film mein kaafi ahem kirdaar nibha rahi hain. To trailer launch pe nahi aayi hai, koi khas wajah hai? Sir. Good morning. Wake up. Abhi Rohit ji ne ye jawab diya tha, thodi der pehle. Jaagiye. Late comers. We'll just take two more questions, right? Huh?